तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड सी एफ व्हेन रूट्स आर सेम एंड रियल। मतलब कि कोई भी हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट दी गई हो, जब हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, तो यदि रूट्स में कुछ रूट्स सेम आ जाते हैं और वो रियल हो, तो उसका सी एफ कैसे लिखेंगे। हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास सामने ये एग्जाम्पल आया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वही करना है। सबसे पहले स्टेप वन, डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू वाई माइनस डी टू वाई माइनस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, वाई कॉमन ले लेते हैं, तो या इसे हम लिख सकते हैं डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, क्यू एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखना होता है। पर यहाँ पर ऑलरेडी क्यू एक्स क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, तो अगली स्टेप हमारी पूरी होती है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, हमने आपको बताया था कुछ ही नहीं करना, आपको यहाँ पर डी की जगह एम पुट करना है और इसको उठा के जीरो के बराबर कर देना है। तो जब हम डी की जगह एम पुट करते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आती है हमारे सामने, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें करने हैं इसके रूट्स फाइंड। तो हम ये हम देख सकते हैं तीन घात का बहुपद है, तो इसमें हम जैसे वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे हमने वन पुट किया, तो ये हो गया वन माइनस वन एम स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस वन और प्लस वन, तो ये आपस में कट जाएंगे और जीरो के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं, एम माइनस वन इसका एक रूट हो जाएगा। जब एम माइनस वन का इसमें हम भाग देंगे, तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, एम स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू ज़ीरो। अब एम स्क्वायर माइनस वन ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी एम प्लस वन, और ए माइनस बी मतलब एम माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके रूट्स क्या क्या है, वन माइनस वन और वन। हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर दो रूट समान हैं इसके। तो हम जैसे एम वन तो मान लेते हैं वन, इसको मान लेते हैं एम टू माइनस वन, और एम थ्री भी मान लेते हैं वन। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, एम वन इक्वल टू एम थ्री इक्वल टू स्मॉल एम, जो क्या है वन है, और ये एम टू माइनस वन के इक्वल हो गया। अब हमने जैसे हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर देखा था कि जब रूट्स कैसे हो, सेम और रियल हो, तो उसके लिए सी एफ क्या होता है, उसके लिए सी एफ होता है, जैसे यहाँ पर कितने रूट सेम है, यहाँ पर दो रूट सेम है, तो इसका क्या होगा, सी वन प्लस एक्स सी टू ई की पावर एम एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसका सी एफ हम क्या लिख सकते हैं, सी वन प्लस एक्स सी टू ई की पावर, एम की वैल्यू वन रखेंगे तो ये तो एक्स हो गया, प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री। तो ये एम थ्री, चलो हम इसको तो मान लेते हैं एम थ्री, इसको मान लेते हैं एम टू, इसको भी एम टू और इसको एम थ्री। तो ठीक है, तो एम थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का एक्स, आगे कुछ है नहीं, तो इसका सी एफ क्या होगा, ये सी वन प्लस एक्स सी टू ई की पावर एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जब रूट्स सेम और रियल हो, तो उसका सी एफ कैसे फाइंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड सी एफ व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स।